Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very important topic, that is levels of teaching. What are the levels of teaching? The memory level teaching, understanding level teaching and reflective level teaching. So let's start. लेवल्स ऑफ टीचिंग. देखिए शिक्षण की बात हम पिछले वीडियो से कर रहे हैं. हमने पहले बात की शिक्षण, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के कार्य और शिक्षण के फेजेस बात की थी हमने. फेजेस ऑफ टीचिंग जो कि प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव था. और इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि किस किस लेवल पर शिक्षण हो सकता है, स्तर क्या है. तो जो मेमोरी लेवल है, स्मृति लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध लेवल का शिक्षण और रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन लेवल का, चिंतन स्तर का शिक्षण. तो कह रहे हैं कि टीचिंग इज अ परपजिव एक्टिविटी, द पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द लर्नर थ्रू लर्निंग. वो कह रहे हैं कि शिक्षण है एक सोदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सोदेश्य प्रक्रिया है, जिसका कि उद्देश्य है कि वो लर्नर में, विद्यार्थी में वांछनीय परिवर्तन ला सके. और तीन लेवल इन्होंने टीचिंग के बताए हैं. जो मेमोरी लेवल है उसको वो कह रहे हैं थॉटलेस, मतलब यहाँ आप सोच नहीं रहे, जस्ट क्रैम कर रहे हैं, जस्ट रट रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं. और ये हर्बार्शियन मॉडल पर बेस्ड है. फिर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जिसको कि मॉरिसन टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, ये थॉटफुल है, यानी कि आप पे आपकी सोच इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है और मॉरिसन ने इसके बारे में बताया. और रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो मोस्ट थॉटफुल लेवल है, वो बिगी एंड हंट का कंसेप्ट है, बिगी एंड हंट टीचिंग मॉडल. तो वन बाय वन चलेंगे, मेमोरी लेवल से शुरू करते हैं. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि आप ऐसे समझ रहे हैं कि स्मृति लेवल का, स्मृति स्तर का शिक्षण, यानी कि सिर्फ इसमें सिर्फ आप स्टूडेंट्स को याद कराएंगे. तो ऑब्वियस है कि छोटे बच्चों के लिए ये लेवल ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल इज जस्ट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों को हम सिर्फ सूचना देना चाहते हैं. लर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द सब्जेक्ट मैटर एंड गेट द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वो उसको सब्जेक्ट मैटर को मेमोराइज करना है एंड उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. हर्बार्ट इज कंसिडर्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. हर्बार्ट को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एक्सपोनेंट कहा जाता है. द लर्नर हैज टू लर्न द मटेरियल, रिटेन द मीनिंगफुल मटेरियल एंड रिप्रोड्यूस दैट व्हेन आस्क्ड फॉर. लर्नर को मटेरियल याद करना होता है, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण मटेरियल को याद रखना होता है, और जब पूछा जाए तो उसे वापस बताना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है. मेमोरी लेवल कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो सिर्फ नॉलेज, यानी नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन में से सिर्फ नॉलेज बेस्ड का ऑब्जेक्टिव हम मेमोरी लेवल से कवर करते हैं. वेयर द स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई, रिकॉल एंड रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, आइडियाज या कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचानना होता है, पुनः स्मरण करना होता है या याद रखना पड़ता है और अपनी स्मृति में उसको सुरक्षित रखना पड़ता है. तो assumptions of memory level teaching और स्मृति स्तर के शिक्षण की बात करें तो उसके पीछे मूलभूत मान्यताएं क्या हैं कि meaningful learning materials are easy to memorize, यानी कि जो अर्थपूर्ण अधिगम सामग्री होती है वो याद करने के लिए आसान होती है, उसे याद करना आसान होता है. द मोर मीनिंगफुल द लर्न्ड मटेरियल द लॉन्गर इट टेंड्स टू बी रिटेन्ड. जितना ज्यादा अर्थपूर्ण लर्निंग मटेरियल होता है उतने ज्यादा समय तक वो रिटेन किया जा सकता है. द कैपेसिटी टू मेमोराइज हैज नो पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द कैपेसिटी फॉर इंटेलिजेंट बिहेवियर. और जो जितना ज्यादा बढ़िया याद कर सकता है उसे आप, मतलब कोई धनात्मक सहसंबंध उसका बुद्धिमत्ता से नहीं है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो ज्यादा बुद्धिमान है वो ज्यादा बढ़िया याद कर लेगा. और द मेमोरी लेवल टीचिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स लिटिल टू इंटेलिजेंट बिहेवियर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. और जो ये स्मृति स्तर का शिक्षण है वो आपके बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार और समाधान के कौशल के लिए बहुत थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. ओके, तो इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर. ये बात हमने कर ली. यहाँ फैक्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको एक मैकेनिकल प्रोसेस मेमोराइज करके उसको याद कर लेना है बस. और एम्स, देखिए एम्स जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और ऑब्जेक्टिव छोटा होता है. तो एम्स क्या है टीचिंग एट दिस लेवल, एम्स एट लर्निंग दैट मे एनेबल स्टूडेंट्स टू, कि स्टूडेंट्स को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनकी स्मृति का प्रशिक्षण हो जाए, वो रिट्रेन नहीं रिटेन होना चाहिए था, वो लर्निंग मटेरियल को मेमोरी स्टोरेज में रिटेन कर सकें और जब उनसे पूछा जाए तो वो याद किया हुआ, जो उन्होंने पहले याद किया उसको रिप्रोड्यूस कर सकें या रिकॉग्नाइज कर सकें. नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज होगा. क्यों? तभी वो याद हो सकेगा रोट लर्निंग के थ्रू. और सब्जेक्ट मैटर में आपके सिंपल कंसेप्ट, टर्म्स, एलिमेंट्स आ जाएंगे.
मेथड्स कौन कौन से टीचर यूज करेगा? टीचर डोमिनेटेड मेथड्स यूज होंगे, जैसे ड्रिल बार बार आपको करा रहे हैं, रिव्यू, पुनरावलोकन, रिवीजन, दोहराना, और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके के मेथड्स इसमें यूज होंगे। और रोल ऑफ द टीचर क्या होगा? डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पैसिव है, टीचर इस रोल इस लेवल में एक्टिव है, तो डोमिनेटिंग एक्टिव एंड अथॉरिटेरियन रोल होगा। अथॉरिटेरियन, ही इज द अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, डिलीवर, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड इवेलुएट द परफॉर्मेंसेस। एंड राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू इट्स इवेलुएशन, द की प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिमेन्स विद द टीचर। यानी कि शिक्षण केंद्रित ये शिक्षण का लेवल है, क्योंकि सब कुछ शिक्षक को तय करना है। ओके, अब हम बात, अच्छा रोल ऑफ लर्नर भी रहेगा। रोल ऑफ लर्नर क्या होगा कि उसका पैसिव रोल है, जो आपको पढ़ा दिया जा रहा है, आपको मैकेनिकली मेमोराइज कर लेना है, आपको उसमें समझना नहीं है। टीचिंग इक्विपमेंट में क्या क्या यूज होगा? विजियो ऑडियो विजुअल एड्स यूज होंगे, जैसे मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, जिसे आप इजीली याद कर सके। नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होगा? यानी कि अभिप्रेरणा की प्रकृति, कि व्हेन स्टूडेंट्स लर्न समथिंग नेचुरली वी कॉल इट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हेन लर्निंग इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस वी कॉल इट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक रखना पड़ेगा। जैसे तुम ये टेबल याद कर लो तो तुम्हें ये दिखाएंगे, तुम ये याद कर लोगे तो तुम्हें ये देंगे, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है ये लेवल, सीधी बात। और इवेलुएशन सिस्टम, ओरल और रिटन टेस्ट इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट, रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, मल्टीपल चॉइस तरीके के क्वेश्चन से आपका परीक्षण, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। एक खास बात जो सारे लेवल में चलेगी, आपकी मॉडल ऑफ द टीचिंग। देखिए, अब हम लोगों ने टीचिंग मॉडल पढ़ लिया है, अगर उसको डिटेल आउट जाते हैं तो उसमें फोकस, सिंटेक्स, आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, फिर आपका एप्लीकेशन आता है, और जिसमें कि वो दो हो जाते हैं, नर्चरिंग इफेक्ट और इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट। लेकिन इसमें हमारा, हम छोटे में चलेंगे तो सिर्फ चार, फोकस मतलब समराइज वे में चलेंगे तो फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। चूंकि हम मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं तो हमको पता है फोकस का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंटेक्स का मतलब स्टेप्स कौन से फॉलो करेगा, सोशल सिस्टम का मतलब कि जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है वो कैसा होगा, और सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि टीचर के अलावा किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो एज अ सपोर्ट मटीरियल काम करेंगे। तो चूंकि देखिए, आपको ये कनेक्शन यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये हरबार्शियन मॉडल है, इसलिए इसमें हरबार्शियन स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, और जो लोग लेसन प्लानिंग करते हैं, बीएड करते हैं, वो ये इन हरबार्शियन स्टेप्स से भली भांति परिचित हैं। कि फोकस तो वही है, टू एक्वायर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और हरबार्शियन स्टेप्स क्या है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपेरिजन एंड एब्स्ट्रक्शन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। यानी कि सबसे पहले हम पाठ की तैयारी करते हैं पूर्व पाठ से जोड़ते हुए, फिर हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर हम तुलना करते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, फिर हम सामान्यीकरण पे आते हैं, और सबसे लास्ट में अनुप्रयोग करते हैं। सोशल सिस्टम में क्या है? अथॉरिटेरियन बिहेवियर, द टीचर इज मोर एक्टिव एंड हिज जॉब इज टू प्रेजेंट मटेरियल सिस्टमेटिकली इन द क्लास। क्योंकि टीचर एक्टिव है, टीचर को तय करना है कैसे कब क्या पढ़ाना है ताकि आपको याद हो जाए। और सपोर्ट सिस्टम में ऑडियो विजुअल एड्स है, स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट, और इवेलुएशन आपका ओरल और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से लिया जाएगा। तो ये इसकी मॉडल ऑफ द टीचिंग हो गई, मॉडल कैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में फॉलो होगा। अब आइए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अब अंडरस्टैंडिंग मेमोरी से ऊपर है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉग्निशन इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ याद नहीं कर रहे, समझ भी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इंप्लाइज नोइंग द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो वस्तु और संप्रत्यय हैं उनके अर्थ जानना, आइडियाज ग्रैस्प करना, कुछ रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करना, फैक्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करना, एंड इन्फरिंग वन थिंग फ्रॉम सम अदर। एट दिस लेवल द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसमें कह रहे हैं कि ये भी जो लेवल है वो हरबार्शियन थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये मॉरिसन ने दिया है क्योंकि ये उससे थोड़ा हायर लेवल का है मेमोरी लेवल से। इस स्टेज पे लर्नर जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करता है, उनके बीच के अंतः संबंध को जानता है, इन्फरेंस ड्रॉ करता है, और ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। अब अगर इसके एलिमेंट्स पे जाएं तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या है कि जो विद्यार्थी है वो नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड कर ले, समझ ले, उसको बोध हो जाए। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे वाइड होगा, मेथड्स यहाँ पे लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज किए जाएंगे। क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा होगा? लाइवली एंड एनकरेजिंग होगा, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, एक्सप्लेनेशन चल रहा है। टीचिंग इक्विपमेंट बहुत तरीके के चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स एक्सेट्रा यूज किए जाएंगे। यहाँ पे भी टीचर प्रोमिनेंट फिगर है, लेकिन उतना डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन नहीं है जितना कि मेमोरी लेवल में है। लर्नर का रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा, उतना पैसिव नहीं है, क्योंकि उसको समझना भी है, उसको अपने डाउट्स का भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। और इवेलुएशन में द टीचर हैज टू इवेलुएट द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, ग्रैस्प, सिंथेसाइज, डिस्क्रिमिनेट एंड जनरलाइज। टीचर को इवेलुएट करना होगा कि व्यक्ति ने, जो विद्यार्थी है, वो सिर्फ रिकॉल नहीं करे बल्कि उसको कॉम्प्रिहेंड भी करे, उसको डिस्क्रिमिनेट करने को कहा जाए तो वो भी कर सके, जनरलाइज भी कर सके, एंड ऑल। तो ये तो इसके एलिमेंट्स हो गए। अब आते हैं मॉडल्स पे।
मॉडल में आएगा क्या, फोकस। फोकस में क्या, द पीपल शुड अचीव मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट। जब मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट हो जाएगी, हमको संप्रत्यय पे आधिपत्य हो जाएगा, तभी हमको कहा जाएगा कि हम समझ चुके हैं। और यहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट और सेल्फ लर्निंग की बात है। अच्छा, इसमें सिंटेक्स के स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। वहां हरबार्शियन स्टेप्स फॉलो हो रहे थे, यहाँ मॉरिसन के स्टेप्स हैं, क्योंकि ये मॉरिसन का कंसेप्ट है। तो एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले आप जो कंटेंट को एनालाइज कीजिए, एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली अरेंज कीजिए, प्रेजेंटेशन कैसे आपको प्रेजेंट करना है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, तब तक वो आपको उसको समझाते रहना जब तक उसकी मास्टरी ना हो जाए। एसिमिलेशन, ये स्टूडेंट के लेवल का पार्ट है कि जो उसने समझ लिया उसको ग्रैस्प करेगा। एसिमिलेशन हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे में पढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, मॉरिसन स्टेट्स, मॉरिसन ने कहा कि स्टूडेंट रिसीव्स मास्टरी व्हेन ही कैन राइट डाउन द प्रेजेंटेड कंटेंट एंड द एसिमिलेटेड डेटा क्लियरली। जब हम कहते हैं ना कि बहुत बिखरा हुआ है, आप इसको संगठन बना के लिखिए, संगठित रूप में लिखिए, तो आप तभी उसको संगठित रूप में लिख सकते हैं जब आप उसको समझ चुके हों। फिर रेसिटेशन, जो आपने याद किया आप उसे समझ के बता दे रहे हैं, रिसाइट करके दे दे रहे हैं। सोशल सिस्टम में यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरीके की मोटिवेशन की बात है। सपोर्ट सिस्टम में यहाँ भी टीचिंग और ऑडियो विजुअल एड्स यूज किए जा रहे हैं। और इवेल्युएशन में आपका एसे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एनालॉजी टाइप आइटम टेस्ट एक्सेट्रा यूज किए जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉडल है, ये मॉरिसन ने दिया है, ये थॉटफुल है, ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों है। यहाँ टीचर लेस डोमिनेटिंग है, यहाँ स्टूडेंट मोर एक्टिव है, इसके कंपैरिजन में मेमोरी लेवल। और अब आ रहा है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से जानने से पहले रिफ्लेक्शन को जानते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसा कि जॉन डीवी ने कहा कि एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड है। वहां देखिए हम टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड जा रहे हैं। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला बीच का हो गया, जो मेमोरी लेवल है वो टीचर सेंटर्ड है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ताकि वो पर्टिकुलर थिंक करे, रिफ्लेक्शन शो करे, वो पर्पसफुली एक्शन करे। जैसे डोनाल्ड कॉन ने डिफाइन किया रिफ्लेक्शन को, उन्होंने कहा दो तरीके से हो सकता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। रिफ्लेक्शन इन एक्शन का मतलब कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचते रहें, और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब कोई काम करने के बाद हम सोचें कि हमने क्या कहा, किया वो, उसका परिणाम कैसा आया, सही आया कि नहीं आया। बाद में किलियन एंड टॉडनेम ने एक और इसमें आस्पेक्ट जोड़ा, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, मतलब कि हम इन एक्शन और ऑन एक्शन को जोड़ दीजिए, तो आप फ्यूचर कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसके पहले भी प्लानिंग करके चलिए, वो रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है, की है सक्सेसफुल लर्निंग के लिए, और इसको बहुत सारे कमीशन ने रिकमेंड किया है। जैसे एनसीएफ 2005 ने कहा कि हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, बिहेवियरिस्ट से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हुई है उसमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आपके एनसीएफटी 2009 और एनसीटी रेगुलेशन 2014 ने कहा है कि हमको टीचिंग में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैज इमर्ज्ड एज ए सेंट्रल फोकस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक सेंट्रल फोकस की तरह निकल के आ रहा है। अब आते हैं मॉडल पे। हंट एंड बिगी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए कभी कभी इसको बिगी और हंट का टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, इसको इंट्रोस्पेक्शन का लेवल भी कहते हैं। और इन्होंने इसको रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन किया है, केयरफुल, यानी कि ध्यान से, सावधानी से, क्रिटिकली अगर हम किसी आइडिया को एग्जामिन करते हैं तो इसका मतलब इन लाइट ऑफ टेस्टिंग एविडेंस विच सपोर्ट्स इट एंड द फर्दर कंक्लूजंस टुवर्ड्स इट्स पॉइंट्स विच इट पॉइंट्स, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग है, लर्नर टू डेवलप न्यू इनसाइट्स, जिससे कि जो विद्यार्थी है उसके अंदर नई अंतर्दृष्टि आए, ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके, फील्ड ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवर कर सके, टेस्ट एंड रीटेस्ट द अचीव फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट जनरलाइजेशंस इन द लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस। तो ये तो सारा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव लेवल की इंपॉर्टेंस की बात, कि कैसे अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से काम नहीं चलेगा, आपको रिफ्लेक्टिव लेवल पर जाना होगा। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, विद्यार्थी में डीप इनसाइट डेवलप हो सके। सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड होगा, तभी तो विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व होगा ना, कि हम उस प्रॉब्लम फोकस्ड होगा। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डायनेमिक होगा, यूनिक होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। मेथड्स यहाँ क्या यूज किए जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंक्वायरी मेथड, एनालिटिक मेथड। नेचर ऑफ मोटिवेशन यहाँ इंट्रिंसिक होगा, क्योंकि आप महसूस करेंगे तभी आप उसके सॉल्यूशन में उतरेंगे। इवेल्युएशन सिस्टम यहाँ पे हो सकता है आपका रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सेट्रा। और रोल ऑफ टीचर इज नॉट सो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक डायनेमिक एटमोसफियर वेयर द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कैन बी कैरीड आउट स्मूथली। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हम टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ जा रहे हैं, कैसे हम डोमिनेटिंग से हम न्यूट्रल होते जा रहे हैं, सिर्फ हम फैसिलिटेटर की भूमिका में आ रहे हैं। और लास्ट में इसका मॉडल,
फोकस इसका है कि हम स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जनरेट कर सकें, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट कर सकें। सिंटेक्स में यहाँ चार स्टेप्स याद रखने हैं, पहले हमको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करनी है, फिर स्टूडेंट जो है वो उसके लिए परिकल्पना बनाए कि ये सोल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर उस परिकल्पना की जाँच हो और फिर डेटा कलेक्ट करके उस परिकल्पना का वेरिफिकेशन किया जाए। सोशल सिस्टम में यहाँ स्टूडेंट प्राइमरी है, टीचर सेकेंडरी है, डिस्कशन, सेमिनार एक्सेट्रा मेथड यूज होंगे। सपोर्ट सिस्टम में आप कोई भी ऐसा कुछ जिसमें कि आप स्टूडेंट को हेल्प कर सके वो सपोर्ट सिस्टम। एसे टाइप टेस्ट जनरली इवेल्युएशन के लिए यूज होगा क्योंकि उसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। देखिए एमसीक्यू में आपका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता है, सिर्फ आपने जो रिकॉल टाइप टेस्ट के लिए एमसीक्यू बढ़िया है। फिर कंक्लूजन, इट शुड बी ओनली रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द लर्नर्स हैव पास्ड द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि आप मेमोरी लेवल से आ गए, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए, तब आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर जाएंगे। चूंकि मैटर थोड़ा ज्यादा था इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रही, स्पीडी रही कि तीनों एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और मैंने मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं कवर किए क्योंकि वो ऑब्वियस कि छोटे बच्चों के लिए सरल विषय, सीक्वेंशियल विषय आप मेमोरी लेवल से पढ़ा दीजिए, थोड़ा आगे जाने पे अंडरस्टैंडिंग और जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर मेमोरी लेवल का मत पढ़ाइए, उनको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे ले जाइए क्योंकि वो समय की मांग भी है। ओके तो आपका मेमोरी लेवल आपका किसने दिया है? हर्बार्ट ने दिया है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है। रिफ्लेक्टिव लेवल बिगेन हंट ने दिया है। तो ये सब याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ओके सो इन दिस मेथड आई हैव कंप्लीटेड लेवल्स ऑफ टीचिंग टू। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.